नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जयपुर में व्यावसायिक शिक्षक एक बार फिर से पानी की टंकी पर चढ़ गए और करीब 6 से 7 व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा संकुल में स्थित पानी की टंकी पर चढ़े। नियुक्ति और बकाया मानदेय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी अपनी मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े थे और व्यावसायिक शिक्षक कोरोना काल में नौकरी से हटाने के आरोप भी लगा रहे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जयपुर में व्यावसायिक शिक्षक एक बार फिर से पानी की टंकी पर चढ़ गए। करीब 6 से 7 व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा संकुल में स्थित पानी की टंकी पर चढ़े। नियुक्ति और बकाया मानदेय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े थे व्यावसायिक शिक्षक, कोरोना काल में नौकरी से हटाने का भी आरोप लगा रहे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव है। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी है, क्या अब तक समझाया जा सका है उनको कि नहीं? अब देखिए, समझाइश लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें देखो, सिविल डिफेंस की जो टीम है उसने मौके पर जो जाल है वो बिछा दिया है, क्योंकि तकरीबन अगर जिस टंकी पे ये लोग चढ़े हुए हैं उसकी अगर जो हाइट है वो नापी जाए लगभग 100 या 150 फीट के आसपास होगी, और अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो इसलिए सिविल डिफेंस ने मौके पर जो ये जाल है वो बिछा दिया है। पुलिस की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसको बुला लिया गया है, सिविल डिफेंस की जो टीम है, एम्बुलेंस, इन तमाम लोगों को यहाँ बुला लिया गया है। लेकिन इन लोगों की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती ये लोग यहां से नहीं हटेंगे। बातचीत करने की कोशिश करते हैं आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं और कब तक यहां बैठे रहेंगे आप लोग? हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि लॉकडाउन जब चालू हुआ तो हमें सैलरी नहीं मिली, और अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हमें ना ही नियुक्ति मिल रही है, ना ही पुराना जो हमारा वेतन है वो मिल रहा है। अब हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि लॉकडाउन के बाद में जो स्कूल चालू हुए हैं जहाँ पे सरकारी विभाग के लोग पहुँच रहे तो हमें भी नियुक्ति दी जाए। सीधी तस्वीर में आपको देखो, मेरे सहयोगी देव प्रकाश से कहूंगा कि जो टंकी पे 2 महिलाएं और 1 पुरुष शिक्षक जो चढ़े हुए हैं उनकी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस हाइट पर वो लोग बैठे हुए हैं। तकरीबन 2 घंटे से अधिक अब ये समय हो चुका है जब से वो बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि ये महिला आपको नजर आ रही होगी, पैर उसने बाहर की तरफ लटकाए हुए हैं। दूसरा जो पुरुष शिक्षक है उसने भी पैर जो है वो बाहर की तरफ लटकाए हुए हैं। इसके अलावा एक महिला शिक्षक और है जो कि इनके साथ में ही बैठी हुई हैं। लगातार इनकी जो पुलिस है, स्थानीय शिक्षा संकुल का जो प्रशासन है उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि इनकी जो मांग है उनको जल्द पूरा किया जाएगा। और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के अंदर जो 905 स्कूल हैं उसमें तकरीबन 1810 व्यावसायिक जो शिक्षक हैं वो अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले लगभग 6 से ज़्यादा महीने हुए हैं ये संघर्षरत हैं, और अब से अक्टूबर माह के अंदर भी ये लोग इसी तरीके से टंकी पर चढ़े थे। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन कितना जायज़ है, सरकार की मशीनरी का कितना यहाँ पे नुकसान होता है। कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की आप लोगों की मांगे हैं, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे? नुक्ति नहीं मिलेगी इतने बैठे रहेंगे, तब तक हमें जॉब के लिए नहीं भेजेंगे। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? मैं जालौर से सर, जालौर से। हमें विद्यालय में नियुक्ति दो, हमें लॉकडाउन का पूरा जो भी वेतन बन रहा है वो भी दो साथ में, और हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो विद्यालय में। हमें बार बार लिखित में ऑर्डर चाहिए, बार बार आश्वासन नहीं सर। कितनी दूर से आई आप? मैं तो जयपुर से ही हूँ, लेकिन हमारे साथी कोई सिरोही से, जोधपुर से, हनुमानगढ़ से, काफी पूरे राजस्थान से आए हैं। और हम लोगों को हमारा 10 से 11 महीने का वेतन नहीं मिला है, और बार बार हटा दिया जाता है। कभी 8 महीने के लिए लगाया जाता है, कभी 9 महीने के लिए लगाया जाता है, कभी ज्वाइनिंग अगस्त में, कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में। आपकी कुछ 2 महिला साथी ऊपर चढ़ी हुई है, कोई अनहोनी भी हो सकती है? अनहोनी हो सकती है, ये तो सरकार सोचे ना। जो बच्चे हमारे घर पे भूखे बैठे हुए हैं उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो रही है। हमारा मार्च से हटा दिया, मार्च से हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं, हमारे घर मतलब आ रहा है खाना, बस चल रहा है गुजारा। लेकिन लगाया क्यों, लगाया तो फिर हटाया क्यों? बहरहाल, इन सभी शिक्षकों की जो मांग अपने स्तर पर जायज़ है ये सरकार के सामने उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है वो ये कि बार बार इस तरह की जब भी कोई मांग मनवाने की बात सामने निकल के आती है उसका जो सबसे सरल तरीका होता है, लेकिन प्रशासन के लिए उतना ही दुविधा हो जाती है, वो ये कि टंकी पर ये तमाम जो शिक्षक हैं ये लोग चढ़ जाते हैं। और लगातार इसी तरह का जो प्रदर्शन है वो राजधानी जयपुर में देखने को लगातार मिलता है। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक बैठे रहेंगे। नहीं, कहाँ कहाँ से आए हैं?
जिलों से लोग आए हुए? करीब करीब सभी जिलों से हैं, कोई डूंगरपुर से हैं, कोई झालावाड़ से हैं, कोई बूंदी से हैं, कोटा से हैं, सवाईमाधोपुर से हैं, टोंक से हैं, करीब करीब सभी जिलों से हैं। आप लोग ये टंकी पर चढ़े उससे पहले सरकार तक कोई बात पहुंचाने की कोशिश की, कोई अल्टीमेटम दिया? हाँ, कई बार ऐसा हमने कोशिश की है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और हमने सीधी उंगली से घी निकालना चाहा, लेकिन ना तो हमारी सरकार सुन रही है, सरकार भी मतलब निकम भी सरकार कहने लायक है देखा जाए तो, ना तो शिक्षा मंत्री हमारी सुनता है, ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुनते हैं हमारी, और ना ही यहाँ पे SPD हैं जो कोई सुनते हैं हमारी। हमें ये आश्वासन दे के भेज दिया जाता है कि आप यहाँ कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द आपका समाधान हो जाएगा। देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो लगातार ये अपने स्तर पर सामने रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको बताऊं, पुलिस की अग्निवर्षा की गाड़ी, एम्बुलेंस उसके पीछे, दमकल और QRT के ये तमाम जो जवान हैं, QRT के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ सिविल डिफेंस की एक जो मजबूत तैयारी है वो यहाँ पे जाल बिछा दिया गया है। तो सरकारी मशीनरी की भी काफ़ी मशक्कत होती है जब इस तरह की बार बार विरोध प्रदर्शन है वो सामने निकल कर आते हैं। सही आपने कहा आशुतोष, और साफ तौर पर यह तस्वीरें देखी जा सकते हैं, विरोध जताया जा रहा है, इन तमाम लोगों का ये कहा जा कि आरोप है कि वो बार बार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जो वहां पर अधिकारी या पुलिस के जवान आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत कर ये क्या वाकई में रास्ता दिख रहा है कि जो महिलाएं ऊपर चढ़ी हैं, जो पुरुष ऊपर चढ़े हैं उनको उतारा जा सके, अभी तक कोई सफलता दिख रही है, कोई उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्दी ये मामला शांत हो सकता है? देखिए बिल्कुल जी, बिल्कुल पुलिस के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, किस तरह की जानकारी इनको लेकर मिली थी, क्या बातचीत के लिए कोई गुंजाइश अभी बातचीत की गई? अभी प्रतिनिधि मंडल बात करने गया है इनका, तो वो बात करके आ रहे हैं। डॉक्टर भवनलाल हैं, व्यावसायिक शिक्षा के निदेशक, उनसे बात करने प्रतिनिधि मंडल हमने समझाइश करके भेजा है, वो थोड़ी देर में आता है प्रतिनिधि मंडल, फिर आपको पूरी जानकारी देंगे क्या वार्ता हुई क्या हुआ। अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो किस किस एजेंसी को यहाँ बुलाया गया? अनौनी के लिए पूरे इंतजाम हमने किए हैं, यहाँ सिविल डिफेंस की टीम आई हुई है, आप देख रहे हैं टंकी के चारों ओर जाल लगा दिया गया है, एम्बुलेंस है यहाँ पर 108 है, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सारी एजेंसियाँ सक्रिय हैं, अपना काम कर रही हैं, और इनके व्यावसायिक शिक्षा के अधिकारियों से लगातार हमारी बात हो रही है, इनके प्रतिनिधिमंडल से बात कराई जा रही है। तो देखिए, पुलिस ने अपने स्तर पर जो तमाम व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद की हुई है, किसी तरह की कोई अनहोनी होती है उसके लिए पुलिस तैयार है, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर बुलाई गई। दूसरी तरफ बातचीत से अगर किसी तरह का कोई हल निकलता है तो उसके तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो शिक्षक हैं उन्होंने अपनी जो अपनी बात है वो साफ कर दी है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये इसी तरीके से ये लोग टंकी पर बैठे रहेंगे। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और पुरुष इस वक्त ऊपर चढ़े हुए हैं टंकी पर, और इनकी मांग यही है कि जब तक इनकी बातें पूरी नहीं होती, मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ये नीचे उतरने को तैयार नहीं। हालांकि पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर है और समझाने की कोशिश लगातार कर रही है। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए आशुतोष।